आज से अगर एक साल पहले भी ये कहा जाता कि बॉक्स ऑफिस पर होगी शाहरुख और सलमान की टक्कर, तो ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा बन जाता। पर आज मामला थोड़ा सा अलग है। आने वाले साल में शाहरुख और सलमान की टक्कर होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन दोनों ही स्टार इसे बड़ा आराम से ले रहे हैं। एक तरफ शाहरुख की रईस रिलीज होगी तो उसी की टक्कर में होगी सलमान खान की सुल्तान। दोनों के फैंस ये फिल्म देखना जरूर चाहेंगे। दोनों के फैंस चाहेंगे कि उनके स्टार को ज्यादा लोग पसंद करें और ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हों। बट दे बोथ नो कि कलेक्शंस तो टूटने वाले हैं इस बार। लेकिन एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने खुद ये कहा है कि हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टकराव हो सकता है, पर पर्सनली ये टकराव नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं और फिल्म में जो लोग फिल्म बना भी रहे हैं वो टीम्स भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए किसी भी तरह से टकराव नहीं माना जाएगा। सिर्फ बिजनेस फ्रंट पे फिल्म हो सकता है कि कुछ पैसे कम कमाए, बट उससे इन सेलिब्रिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अच्छी चीज है कि एक ही दिन पर सलमान और शाहरुख दोनों की फिल्में होंगी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिल्म कम कमाएगी। जो एक वीकेंड कमा लेगी वो अगले वीकेंड दूसरे को कमाने का मौका भी देगी, क्योंकि फैंस तो दोनों तरफ बराबर ही होंगे। नहीं,